हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ुबेर और आप देख रहे हैं एसी टेक्नीशियन ज़ुबेर खान। तो ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि फ्लोर स्टैंड एसी जो होता है उसको हम लोग कैसे इंस्टॉल करते हैं, इंडोर का कनेक्शन किस प्रकार करते हैं, आउटडोर का कनेक्शन किस प्रकार करते हैं, पाइपिंग किस प्रकार करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा अगर आपको सीखना है तो। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा कॉपर पाइप है 3/4 का, और एक जो है हमारा 3/8 का पाइप है, 3/4 का सेक्शन का और 3/8 का हमारा लिक्विड का यानी डिस्चार्ज का। पकड़ा पकड़ा, 15 मीटर है ये। मुश्किल है। तो वीडियो का स्पीड में बढ़ा दिया हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा होने वाला है। ये हमारे वायर हैं, 5 वायर लगेंगे हमारे इंडोर की तरफ, 2 हमारा कंट्रोल का वायर है और 3 वायर हम लोग आउटडोर से इंडोर में कनेक्शन देंगे सिंगल फेस का, और 2 वायर हमारा कंट्रोल का रहेगा। यहाँ 3 AC लगने वाले हैं। पाइप को आप नाप लें कितना अंदर छोड़ना है आपको इंडोर की तरफ और कितना बाहर छोड़ना है। आपका कम से कम पाइप लगाना चाहिए 5 मीटर से 6 मीटर तक, इससे कमती नहीं लगाना चाहिए, इससे बड़ा हो जाए चलेगा। स्पेस कम है और पाइप ज़्यादा है तो उसको बेंड करके इस प्रकार से आप रख सकते हैं। बेंड जो है अच्छा से कीजिएगा ताकि पाइप जो है पिंच ना हो जाए। अभी हमारे 3 AC का पाइपिंग हो चुका है। पहला ये है जिसका पाइपिंग थोड़ा लंबा है, और सेकंड जो हमारा है सेकंड हमारा ये पाइपिंग हुआ है, ये लगेगा हमारा यहाँ पे, फर्स्ट वाला यहाँ पे लगेगा हमारा, और जो थर्ड जो है वो
ले आप, वहाँ पे लगेगा, आइए। तो अभी हम लोग इंडोर को अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंडोर को फिक्स करेंगे। अभी इंडोर को हम लोग सेट करेंगे जहाँ हमें रखना है, परफेक्ट जगह पे। क्योंकि अच्छी तरीके से इसको एक बार में सेट कर लीजिए, क्योंकि फिटिंग हो जाने के बाद में आप इधर उधर नहीं कर सकते हैं। इधर उधर करने पे पाइप पे प्रॉब्लम आएगा और गैस लीकेज का भी प्रॉब्लम हो सकता है बाद में। जहाँ इंसुलेशन टेप नहीं मारा हुआ है वहाँ पे हम लोग इंसुलेशन टेप मार देंगे। अब ये पाइप को अच्छी तरीके से बेंड करेंगे। सबसे पहले हम लोग मोटा वाला जो पाइप जो है सेक्शन का, उसको बेंड करेंगे। क्योंकि जो हमारा लिक्विड लैंड है वो आसानी से बेंड हो जाता है, जैसा कि आपने देखा। फ्लेयर नट खोल के हम लोग पाइप में डालेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम लोग फ्लेयरिंग बनाएंगे।
क्लियरिंग हमारा बन गया। हमारा दूसरा फ्लेयरिंग भी बन गया। तो फ्लेयरिंग आप अच्छा से बनाएं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, आपका गैस लीक वगैरह ना हो और जो फ्लेयर नेट हो उस पर अच्छी तरीके से बैठ सके। अच्छी तरीके से टाइट करें, फुल टाइट करें कि गैस लीक ना हो। Come on.
वायर का अभी इसमें मैं कंट्रोल का वायर डाला है, इसमें पावर है 3 वायर, इंडोर का पावर है और ये 2 कंट्रोल है, ये 2 कंट्रोल इंडोर यूनिट में जाएगा, आउटडोर में जाएगा ये, ये आउटडोर ख्याल करने का है, ये 1 और 2 आउटडोर के लिए है ना। हाँ, ये 1 और 2 आउटडोर के लिए, ये ख्याल करके उधर लगाने का, सेम इसी टाइप का आउटडोर में लगाना पड़ेगा। हाँ, सेम वायर, सेम वायर सही। इधर डाल दिया है, अभी ये हो गया लाइन, इंडोर का लाइन हो गया, इंडोर का लाइन हो गया, अच्छा से डालना पड़ेगा, लूज कनेक्शन नहीं रखने का, अगर लूज कनेक्शन रख दिया ना तो वो शॉर्ट आने का, जलने का कुछ हो जाएगा, जलने का संभावना होगा। ठीक है, तो बॉडी का ठीक है, रह गया अपना से ख्याल करके चेक कर लेने का, और इसी तरह से इंडोर का हो गया कंप्लीट। ये पानी का पाइप कनेक्शन करना था, पानी का पाइप है, हाँ, ये जो कंपनी से आता है ना, अच्छा, वो उसमें पानी लीक होने का संभावना है, जो कंपनी से आता है उसमें पानी लीक होने का संभावना है ना। हाँ, लीक हो सकता है, इसीलिए आप ये वाला सॉकेट लगा रहे हैं, वाला लगा रहे हैं। इस तरह से रखने का, क्योंकि बाद में सर्विस करने का टाइम में ये खोल के सर्विस कर सकें। अगर गुल्लू डालेगा तो खोलने का मुश्किल हो जाएगा। अभी हमारा कनेक्शन जो है पूरा हो चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं लाइन हमारा लाइन पे लगा है, न्यूट्रल हमारा न्यूट्रल पे, और बॉडी अर्थ का बॉडी अर्थ पे, और 1 और 2 पे वायर लगा हुआ है, जो कि सेम वायर हम लोग लगाएंगे आउटडोर की तरफ।
तो अभी हमारा इंडोर का जो काम है पूरा कंप्लीट हो चुका है, तीनों इंडोर हमारे फिक्स हो चुके हैं। तो अब हम लोग जाएंगे आउटडोर की तरफ, आउटडोर को फिक्स करेंगे। बहुत कंजेस्टेड है भैया। तो अब हम लोग आउटडोर का फ्लोरिंग बना रहे हैं। Zubair,
पूरा अंदर का सामान गिर गया, दोनों फिर गियर करने का आपका भी गिर जाएगा। तो नट को खोलेंगे हम लोग। कुछ हम टाइम लगाएगा, आगे पावर लगा दे, आगे बोलेगी डाले देखे में बोल के आएगी टाइम लगा सकते हैं। सीधे सीधे थोड़ा गैस खोल करके हम लोग पाइप को थोड़ा फ्लैशिंग करेंगे। टाइम लगा के पावर को वायर है बेगम में बोल के आगे टाइम लगा सकते हैं। नहीं करेगा ना बड़ा है, करना मुश्किल नहीं ना। अभी जितना भी एयर है पाइप के अंदर सब बाहर निकल जाएगा, इसी में हम लोग टाइट कर देंगे। इससे क्या होता है, जो पाइप के अंदर हमारा जो हवा वगैरह जो होता है, एयर वगैरह होता है, वो सब बाहर निकल जाता है। इसलिए थोड़ा गैस को खोल करके फ्लशिंग करके गैस निकल रहा है तभी हम लोग पाइप को टाइट कर देते हैं, एयर वगैरह सब बाहर निकल जाता है। अब हम लोग पूरा जो गैस जो है खोल देंगे। अभी पूरा गैस हमने खोल दिया है। ला ला हम लोग फायरिंग कहाँ से दो हाँ भाई
यहाँ पे कनेक्शन हम लोग कलर कोड के हिसाब से करेंगे, ब्लैक ब्लैक में, रेड रेड में, येलो येलो में, ब्लू ब्लू में, और जो बॉडी अर्थ का वायर है ग्रीन अप उसके साथ में। थ्री फेस का कलर कोड होता है रेड वाई ब्लू, रेड येलो ब्लू। न्यूट्रल के लिए ब्लैक यूज करते हैं हम लोग। जैसे कि आपने देखा इंडोर की तरफ जो वायर लगाया था हमने रेड, वो रेड यहाँ पे एक नंबर पे लगाया है, और जो हमारा ग्रीन और येलो कलर का है वो दो नंबर पे लगाया है। सेम इसी प्रकार से हम लोग इंडोर की तरफ लगाए हैं वायर को। और यहाँ पे जैसे देख रहे हैं लाइन वन लाइन टू लाइन थ्री, ये न्यूट्रल है, ये बॉडी अर्थ के लिए है। तो लाइन वन के साथ में हम लोग इंडोर का जो लाइन है उसको हम लोग एक साथ लगाए हैं, और दो वायर जो हमारा अलग अलग है, दो वायर जो है हमारा अलग अलग है, ठीक है। और न्यूट्रल के साथ में हम लोग इंडोर का भी न्यूट्रल लगाए हैं, और बॉडी अर्थ के साथ में इंडोर का भी बॉडी अर्थ का वायर लगाए हैं हम लोग। एक्शन के बाद में ना पहले पावर चेक कर लेना चाहिए, ठीक है ना, अपना बराबर मिल रहा है नहीं मिल रहा है, भी मीटर दिखाएं। हाँ, अगर बराबर मिल रहा है तो भी एसी का स्विच ऑन करने का, अगर रॉन्ग हो गया तो, अगर एक फेज में पावर नहीं आया तो एसी चालू नहीं आएगा। इसके लिए अपना पूरा बराबर देख लेना चाहिए। जैसे कि आपने देखा फ्रेंड्स कि हमारा कनेक्शन जो पूरा हो गया, कनेक्शन पूरा करने के बाद में हम लोग यहाँ पे लाइन चेक किए, तो हमारा लाइन जो बताना चाहिए परफेक्ट बताना चाहिए, जो 420 वोल्ट जो बताता है हमारा एसी लाइन वो बताना चाहिए तीनों वायर में, ठीक है। और न्यूट्रल और फेस में, दोनों में से न्यूट्रल फेस में, किसी भी फेस में और न्यूट्रल से आप चेक करेंगे तो 220 वोल्ट बताना चाहिए, 230 220। तो अभी हमारा जो कनेक्शन है वो पूरा हो चुका है। तो थ्री फेज़ के कनेक्शन में सिर्फ
इसी प्रकार से कनेक्शन हम लोग करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो इनडोर में हमने वायर डाला था ये कंट्रोल का, जिससे हम लोग पीसीबी जो लगा हुआ है जो कंट्रोल करते हैं हमारा रिमोट, वो कंट्रोल के लिए ये वायर है। और ये अभी हमारा जो लाइन जो है, एक मिनट, जैसा कि आपने देखा अभी हमारा लाइन जो स्टार्ट हुआ तो आउटडोर से हमारा साउंड आना चालू हो गया, स्टार्ट हो गया। तो अभी इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, जो किसी भी दो वायर को हम लोग उल्टा पलटी कर देंगे तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। यानी जो हमने दो और तीन पे लगाया है उसको, तीन को दो पे लगा देंगे और दो का तीन पे लगा देंगे तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। एक मिनट में ऑन करेगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये साउंड आने का जो वजह है वो मैं बता देते हैं, क्योंकि वो डीबी में है, लाइन वन, लाइन टू, लाइन थ्री पावर होता है, तो लाइन वन से और लाइन टू से ज़्यादा सा फैला हुआ रहता है, वो घर का लाइट स्विच ये वो बहुत फैला हुआ रहता है पावर, इसके वजह से ये वोल्टेज बराबर नहीं पहुंचेगा, इसके वजह से साउंड आने का स्टार्ट हो जाएगा। तो हम क्या करने का है, हम लोग जो लाइन टू लाइन थ्री का अदला बदला कर देगा तो हमारा समस्या सॉल्व हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा तीनों आउटडोर स्टार्ट है अभी, अब हम लोग चलेंगे इनडोर की तरफ और कूलिंग को चेक करेंगे। ये हमारा ऑन ऑफ स्विच है, ये हमारा टेम्परेचर घटाने बढ़ाने के लिए है, और पूरा फंक्शन आपका जो है यहाँ पे है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये बटन जो हमारा मेन्यू का है, जिसमें हम लोग मोड सेट कर सकते हैं, कूल हो, हीटिंग मोड हो, ड्राई मोड हो, कोई भी सेट कर सकते हैं यहाँ से। और ये हमारा फ़ैन का स्पीड घटाने बढ़ाने के लिए है। और एक यहाँ पे आपका स्विच दिया है, ऑन ऑफ स्विच दिया है, यहाँ पे क्लॉक लिखा हुआ है, यहाँ पे जो है हमारा ये टाइमर का सेटिंग है, ठीक है। और ये हमारा स्विंग का है, जो फ्लैप जो हमारा अप डाउन कर रहा है, इसका बटन हमारा ये है ना। अगर इसी तरह से इंस्टॉलेशन करने के है, और जो आप लोग जो वीडियो जो देख रहे हैं थोड़ा फॉलो भी कर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आप लोग के जो आशीर्वाद से हम लोग इसे वीडियो बनाते रहेंगे, आप लोग देखते रहिए, आप लोग सीखते रहिए।